नमस्कार, सुमारा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभांगी शर्मा। हाल ही में चर्चा में इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र के ममता नगर मेन रोड स्थित शिफा हॉस्पिटल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल पहले तो हॉस्पिटल के मालिक पर मनमाने और अधिक बिल वसूलने के मामले में एक पीड़ित ने न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग को शिकायत की, बल्कि हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर सलीम मलिक पर जान से मारने की धमकी की शिकायत भी पुलिस के आला अधिकारियों को कर दी। वहीं अब शिफा हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ एक और मामला सामने आया है, जिसने हॉस्पिटल प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल इंदौर नगर निगम के जोन क्रमांक 10 के वार्ड 38 के ममता नगर स्थित शिफा हॉस्पिटल की जमीन के मालिक अजीज खान और चांद खान को एक नोटिस भेजा गया है, जिसमें अब तक कितना संपत्ति कर भरा गया है और कितना बकाया है, इसका जवाब मांगा गया है। इधर नोटिस मिलने के बाद ही अचानक शिफा हॉस्पिटल प्रबंधक ने अस्पताल के ऊपर अवैध टिन शेड को हटा लिया है। 26 अप्रैल को जारी किए गए नोटिस का जवाब शिफा हॉस्पिटल के मालिक को देना है। निगम ने जब हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था तो पाया था कि तल मंजिल प्रथम और द्वितीय मंजिल पर कमर्शियल भवन बना हुआ है, जो कि 1100 स्क्वायर फीट पर निर्मित है। इधर बिल्डिंग परमिशन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पूरे मामले में अब शिफा हॉस्पिटल घिरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि आनन फानन में हॉस्पिटल की ऊपरी मंजिल में निर्मित टिन शेड को क्यों हटाया गया है। फिलहाल आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि अस्पताल प्रबंधक या मालिक निगम से कोई जानकारी छिपा तो नहीं रहे हैं।